नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है वो और नवोदय विद्यालय के अंदर जो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब होता है उनके बारे में बात करना बताना चाहूँगा। सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय में जो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब निकलते हैं वो आपको हर साल फरवरी मार्च के महीने में, कई बार जुलाई में भी देखने को मिलते हैं। तो वो जो कॉन्ट्रेक्चुअल है, वो जो वैकेंसीज हैं, वो पैनल तैयार करने के लिए की जाती हैं कि अगर पूरे साल में अगर कोई टीचर जाता है या लीव पे जाता है या उसका ट्रांसफ़र होता है तो जो वैकेंसी क्रिएट होती है उस वक्त आपको बुलाया जाए। कई बार केवल 7 दिन तक के लिए भी आपको बुलाया जा सकता है और कई बार पूरी साल भी आप उसमें काम कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर केस में 1 से 2 महीने तक ही आपको काम करने का मौका मिलता है। TGT और PGT की पोस्ट में बहुत कम टाइम के लिए मिलता है क्योंकि ट्रांसफ़र्स जल्दी आ जाते हैं। PRT में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ज़रूर आपको पूरी साल आप कर सकते हो। दूसरी चीज़, आपको एक CL मिलती है पूरे महीने में। इसके अलावा जो आपकी गर्मियाँ की और विंटर का जो वेकेशन की जो छुट्टियाँ होती हैं वहाँ किसी प्रकार का आपको सैलरी नहीं मिलती है। हाँ, दिवाली का जो 3-4 दिन का ब्रेक होता है उसकी सैलरी आपको मिलती है ये केंद्रीय विद्यालय के लिए। अगर आपको मौका मिलता है तो फॉर्म फिल होंगे सबसे पहले, और फॉर्म फिल होने के बाद वो आपको इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। इंटरव्यू एक अच्छा बोर्ड बनाते हैं वो लोग, अच्छे पैनल के लोग बुलाते हैं और उसमें आपको मार्क्स देते हैं। उनके मार्क्स की बकायदा एक लिस्ट अपनी वेबसाइट पर अपलोड करते हैं और जो ऊपर से टॉप में है उसे वो कॉल करते हैं। मान लो फर्स्ट रैंक पे जो आया, अगर वो नहीं ज्वाइन करता तो सेकंड वाले को वो बुला लेते हैं। तो ये तो रही केंद्रीय विद्यालय की बात। ज्वाइन करना चाहिए, अगर आपको मौका मिलता है तो ज्वाइन अवश्य करना चाहिए क्योंकि आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है और कभी जब फ्यूचर में वैकेंसीज आती हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलता है। कोई मार्क्स नहीं मिलते, प्रेफरेंस, यानी आपको ऊपर लोगों से हटके। दूसरा है नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय की जो कॉन्ट्रेक्चुअल हैं वो काफ़ी टफ प्रोसेस है। आप फॉर्म भरेंगे, उसके बाद वो शॉर्टलिस्टेड ही कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। इंटरव्यू जोन में होता है और उसके बाद एक पूरा पैनल बन जाता है पूरे उस जोन का। मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट जोन का बनाते हैं जिसमें राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली ये सब आते हैं। जहाँ पे आपकी लोकल लैंग्वेज हिंदी हो तो उसी जोन में आप कर सकते हो। मान लो आसामी है लोकल लैंग्वेज तो आसामी जोन में आप फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद बकायदा प्रिंसिपल का कॉल आता है। अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको रेजिडेंटल स्कूल है वहीं रुकना पड़ेगा, वहीं रहना पड़ेगा। नवोदय विद्यालय में केवल TGT PGT यानी 6 से स्कूल हैं तो PRT यानी प्राइमरी टीचर की कोई वैकेंसी नहीं होती, लेकिन नवोदय विद्यालय आपको पूरा साल मौका देता है। अगर टीचर आ भी जाता है तो किसी और वर्क में आपको एंगेज रख के पूरा साल का जो टेन्योर है वो कराया जाता है, ये चीज़ है। इसके अलावा मिलिट्री स्कूल में भी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब निकलती हैं कई बार। वो मिलिट्री जॉब राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब निकलती है तो वो केवल एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में पता पड़ेगा। फॉर्म फिल करेंगे और आपको कॉल आएगा, आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, अगर आपका सिलेक्शन होता है आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ रेपुटेटेड गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रखते हैं। अब इनको रेपुटेड पे अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो अच्छे DPS वगैरह में तो आप ना जाएं, लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आप जा सकते हैं क्योंकि कई बार इनका टेन्योर पूरी साल नहीं चलता, लेकिन इनका एक्सपीरियंस आपको बहुत काम आता है। अर्ली एज में आप 24, 25, 26 के हो तो आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन आप 30+ हो, 30 के आसपास हो तो आप परमानेंट जॉब के लिए ही चाहें। आई होप आपको मेरे द्वारा दिए गए जानकारी अच्छी लगेगी। थैंक यू वेरी मच।